श्री सीताराम दोस्तों, तो सर्दियों के मौसम में हमारे पास सब्जियों की कितनी सारी वैरायटी होती है, मतलब बहुत सारी, मतलब हम कुछ भी बना सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं वेजिटेबल्स के, और चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे वो गोभी हो, बैंगन हो, बहुत सारी ऑप्शनल हमें सब्जियां मिल जाती हैं, और जिससे हम बहुत सारी ऐसी डिश बना सकते हैं जो कि सर्दियों में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने आज एक रेसिपी बनाई है जिसका नाम है मेथी मटर मलाई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल ले लिया है, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। और यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका था तो उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक टेबलस्पून ज़ीरा डाला, और दो मैंने इसमें तेज़पत्ता डाला, और एक बड़ी मैंने इसमें दालचीनी डाली, और तीन से चार मैंने इसमें हरी वाली इलायची डाली, और इन सबको अच्छे से रोस्ट किया। और इन सबको मतलब अच्छे से रोस्ट करना है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज लिया है और उसे बारीक काट के मैंने डाला है, और उसको अच्छे से सौते किया है। और हम प्याज को बहुत अच्छे से सौते करेंगे ताकि उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अगर हमारे इसमें कलर अच्छा आएगा तो हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च डाली है काट के, और उन सबको मैंने दोनों को मैंने सौते करना स्टार्ट किया है। वैसे बहुत से लोग इसको वाइट ग्रेवी के साथ बनाते हैं, लेकिन मैंने टिपिकल टमाटर की ग्रेवी के साथ बनाया है। और वैसे भी ये होम स्टाइल कुकिंग है तो यहाँ पे घर का स्वाद मिलेगा आपको, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो था थोड़ा फ्राई हो चुका था, और उसी के साथ मैंने एक चम्मच अदरक का पेस्ट डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसको मैंने अच्छे से सौते करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मसाले डालने स्टार्ट किया, तो एक टेबलस्पून मैंने नमक डाला, साथ ही मैंने एक टेबलस्पून हल्दी डाला, और एक टेबलस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च डाली, और एक टेबलस्पून मैंने नॉर्मल मिर्च डाली, और उसी के साथ मैंने इसमें धनिया और जीरा का पाउडर डाला, और इन सबको मैंने अच्छे से पकाना स्टार्ट किया है। अगर आपका जो मसाला है थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हो, और इसे अच्छे से भूनना है आपको। और जैसे ही आपका जो मसाला है भूनोगे तो आप देखोगे कि आपका मसाला तेल छोड़ देगा। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो फिर इसे अच्छे से भूनना है थोड़ी देर। और इसके बाद मैंने इसमें बहुत सारे टमाटर, मतलब इसमें मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, और आप चाहो तो आप टमाटर प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने टमाटर को पकाना स्टार्ट किया है क्योंकि हमारा मसाला पहले ही पक चुका था, और यहाँ पे मैंने टमाटर को पकाना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। आप इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसे पका सकते हो, और इसे ढक के रख देना है ताकि आपका जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। अगर आपको वाइट ग्रेवी के साथ पकाना है तो आप दही का यूज़ कर सकते हो, और उसमें थोड़ा सा काजू पेस्ट भी मिला सकते हो, उससे बहुत अच्छा वाइट ग्रेवी बनती है। और आप उसमें बिल्कुल टमाटर नहीं मिलाएंगे, अगर आपने टमाटर मिला दिया तो उसका ग्रेवी थोड़ा रेडिश हो जाएगा। तो आप जो भी नॉर्मल भी किसी का भी वाइट ग्रेवी बनाते हो तो वैसे ही बनाएंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी ग्रेवी बन चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर डाला है। इसे बिल्कुल आप ऐसे फ्रेशली डाल देंगे, आप इसे बॉईल नहीं करना है क्योंकि आजकल मटर बहुत सॉफ्ट आने लग गए हैं तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मटर को पकाने के लिए हल्का सा पानी डाल के इसे आप ढक के रखेंगे 10 से 15 मिनट तक, तो आपका जो है मटर वो पक के रेडी हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला तो हमारा जो मटर था वो अच्छे से पक चुका था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मटर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो आपने देखा कि हमारा मटर जो है पक चुका था। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पे मेथी लिया, और मेथी को मैंने थोड़ा बारीक काट के मेथी मिक्स कर दिया है। और मेथी डालने के बाद भी आपको बहुत जल्दी इसे देर तक पकाना नहीं है, नहीं तो आपका जो मेथी है वो ओवर कुक हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये जो रेसिपी है ना मेथी मटर मलाई, ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब रोटी के साथ चाहे नान के साथ बहुत ही यमी लगता है और बहुत मज़ा आता है, और सर्दियों में तो इसे ज़रूर ही खाना चाहिए। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ले लिया है, उसे अच्छे से क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है ताकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आए। और अब बारी आती है इसमें क्रीम भी लाने की, तो इस स्टेज में आप इसमें क्रीम भी लाएंगे। मैंने यहाँ पे घर का बिल्कुल फ्रेश क्रीम लिया है, आप चाहो तो मार्केट का भी क्रीम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा क्रीम डालना स्टार्ट कर दिया है, और अगर आपको क्रीम नहीं डालनी तो आप इसमें थोड़ा सा दही या फिर काजू पेस्ट भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा लगता है।
और यहाँ पे मैंने क्रीम डाल के इन सब को मैंने अच्छे से मिलाना स्टार्ट किया है। और इसे और क्रीम जैसे आप डालोगे, और आप ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, क्योंकि क्रीम डाल के हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है। बस थोड़ा 10 मिनट तक आप इसे ढक के रख दें, फिर आप देख सकते हो कि हमारा मसाला जो है ग्रेवी सब्जी बन के रेडी हो चुका था। और इस स्टेज में आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, और यहाँ पे मैंने पनीर भी मिलाया था। और चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये इसमें ऐसे भी अच्छा लगता है। और या तो आप इसमें गोभी डाल सकते हो, फूल गोभी, और बॉयल्ड आलू डाल सकते हो, इसमें वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो कि मेरा जो सब्जी था वो बिल्कुल बन के रेडी था, गर्मा गर्म। तो यहाँ पे मेरा सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका था। और फिर इसमें मैंने डाला था, मैंने थोड़ा पनीर काट के डाला क्यूब्स में, और पनीर डाल के भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें बॉयल्ड पोटैटो भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। या तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसे राइस के साथ खा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया है नान बनाया था, वो भी मैंने आटे से बनाया था। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और ज़रूर बना के खाइए, आप आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।